अस्सलामुअलैकुम। ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक, बहुत खुशियाँ मुबारक। अल्लाह ताला खुशियाँ रखे, बरकतें डाले। आज अपने आप सारे प्रोग्राम करें जनाब, कहीं खाने पे किसी ने बुलाया है तो वहाँ जाएं, जो किसी ने आपको जो है ना आपने दावत दी है तो वहाँ जाएं। अगर आपको किसी ने दावत आपने किसी को नहीं बुलाया तो मैं हाजिर हूँ, मुझे बुला या मेरे पास आ जाए खाने के लिए। खाना सर ईद वाले दिन तो होता है ना, दोनों तरफ से होता है। खाने के लिए आ जाए या मेरे पास आ जाए या आप मुझे बुला लें, ठीक है। अच्छा जी, बात सर सियासी भी करते हैं लेकिन आज वो बता रहे हैं कि तकरीबन आधे पाकिस्तान में कल बारिश हुई है ईद वाले दिन, ठीक है, और आधे पाकिस्तान में आज बारिश होनी है। तो बाहर मौसम बहुत खूबसूरत है, हल्की सी झलक मौसम की। और फिर जो इमरान खान ने कल इंटरव्यू दिए है उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। मानी के बगैर तो हमारा वीडियो मुकम्मल नहीं ना होता सर जी। ये मौसम देखें, हवा चल रही है और इस वक्त ये सुबह के तकरीबन 8 बजे हैं, 8 बजे हैं, और बहुत खूबसूरत मौसम है हर तरह से, ठीक है। ये हमारा जो तोता है ये भी बहुत खुश है। ये तोता आपको मैं दिखाऊं, ये हमारा तोता है ये ठीक है जी। ये भी बहुत खुश है। और रात को हल्की हल्की वो आंधी वाली जो है ना वो हवा थी आंधी वाली, जिसकी वजह से ये गाड़ियों के ऊपर आप देख रहे हैं कि वो ना मिट्टी थोड़ी सी जमी हुई है ना। तो बात जनाब ये है कि खूबसूरत मौसम तो होना चाहिए, दिल का मौसम तो बहुत खूबसूरत है। ऊपर बादल भी आए हुए हैं, देखें जी बादल भी आए हुए हैं। हाय 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 हाय, बड़े खूबसूरत बादल हैं भाई, ठीक है। हुण आओ जी साढ़े नाल सियासी गल्लां करो। ते रमज़ान का भी माशाल्लाह इख्तिताम हो गया है, जिन्होंने रोज़े रखे है उनको भी अल्लाह बख्शे और जिन्होंने नहीं रखे उनके लिए भी हम दुआ करते हैं, ठीक है। और ये चाय पिए मेरे साथ, ये चाय है जी। रात को मैं घूमती चाय नहीं बना सका था क्योंकि मैं फैमिली में मदऊ था और वहाँ पे मेरी बड़ी बाजी जो है उन्होंने खाना बनाया हुआ था, भाई ने और बाजी ने, तो उधर हम गए हुए थे। सियासी गपशप तो होती है ऐसे मौके पे, सियासी गपशप तो होती है। वहां जनाब उन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू लगा दिया ARY वाला। यार कसम खुदा की, कसम खुदा की कह रहा हूं, ये इधर से वो फिर गया इमरान, कभी क्या कहता है कभी क्या कहता है। कभी रात को अब कह रहा था मैं अमेरिका के मुखालिफ नहीं हूं, ठीक है, फिर कहता है जी कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की। तो अब उधर ही बैठे लोग कह रहे थे कि यार साजिश की है, वो कैसी साजिश है जो KPK में उसका असर ही नहीं हुआ। KPK में आप हुकूमत नहीं बदल सके, क्यों? क्योंकि वहां आपकी अक्सरियत थी, तो यहां मरकज में आपकी पहले ही हुकूमत कमजोर थी। आप पहले ही 2-3 वोटों से ही खड़े थे ना यार, आपके इत्तेहादी नाराज हुए और वो चले गए, उनको पहले किसी ने बांध के रखा हुआ था। जब उनकी रस्सी खुली, सॉरी मैं रस्सी वाला लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या करूं, जब उनको आजाद किया गया, चले मैं ऐसे कह देता हूं, तो वो चले गए इधर उधर, जहां उनकी मर्जी थी वो चले गए और आपकी हुकूमत खत्म हो गई। इसमें हुकूमत की क्या है यार मसला। 1 महीने तक मईशत बहुत अच्छी थी, अदलिया बहुत अच्छी थी, फौज बहुत अच्छी थी और हम गुलाम भी नहीं थे। और ठीक 1 महीने के बाद जिस दिन आपकी हुकूमत बदली है, अदलिया खराब हो गई है, फौज खराब हो गई है, मईशत तबाह हो गई है, हम गुलाम हो गए हैं। इतना जल्दी असर, इतना असर जल्दी तो किसी चीज का ही नहीं होता। फिर जनाब ये जो लोग हैं ना, ये वाकई मतलब कई दफा हैरान होता है कि यार ये शेख रशीद जैसे बंदे जो है ये ऊपर आ कैसे गए। इतना नेगेटिव बंदा, सोचने वाला, ये इतना अरसा वो कहता है जी मैं वजीर रहा हूँ 16 दफा, ये वो
उसकी सोच ही इंतहाई घटी है, लेकिन वो ऐसा है शुरू से ही है, सबको पता है। वो अब उसकी क्या करे, हर मार्शल ला की उसने हिमायत की है, मुशर्रफ के सिगार पी गया है सारे, सारे कहते जी मुशर्रफ का जो सिगार आता था वो मैं पी जाता था। तो ये ऐसे ही बंदा है, ये ऐसे ही बंदा है, इसको नॉन सीरियस लें। अब कल कह रहा था जी लोग अपने आप को आग लगाने को तैयार है, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि काश ये पहले इसका इब्तदा आग का शेख रशीद अपने से करे अपने से करे। बात यह है कि आप कोई गलत मैसेज हो भी सही ना, आप कौम को अच्छा मैसेज दें, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जी कि मई में ही जनाब मार्शल लॉ लग जाएगा और मई में ये हो जाएगा, और मई में क्या हो जाएगा भाई? अभी शेख रशीद साहब तुम और इमरान खान क्या कहते थे एक महीना पहले के बयान इनके निकाले, हुकूमत तुन के 5 साल पूरे करेगी, तुन के ये बयान सबको नजर आ रहे हैं ना, इमरान खान के, फवाद चौधरी के, बल्कि इमरान खान फवाद चौधरी ये कहते थे और तुसी 23 की गल करते हो, असी तो 28 ही 80 हाँ। ठीक है भाई, तुसी हो तो बड़ी अच्छी गल है, तो हुण जरा सबर कर जाओ, 2-4 महीने ही सबर कर जाओ। यानी कि ये हुकूमत 23 मई को वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, मई 23 में वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, और इन्होंने इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं, बल्कि दिसंबर में ही ऐलान कर देने हैं। तो अब आपको पिड़पड़ी क्या पड़ी है, 6-7 महीने आप जो है ना सब्र नहीं कर सकते? थोड़ा सा सब्र कर लो, मुल्क को मईशत में आपने तबाह किया है, अब वैसे ना तबाह करो। आपने वैसे इमरान खान पूरी कोशिश की है कि अमेरिका, काश अमेरिका ही पाकिस्तान पे हमला कर दे। अमेरिका को क्या पड़ी है, जो तेरा फोन ही नहीं सुनते, या तो तुझे फोन कर कर के थक गए हो ना कि यार इमरान तू साड़ी गाल मान ले, यार इमरान तू साड़ी गाल मान ले। क्या हुआ, आखिरी दिन तू रूस गया, वहां पे लड़ाई करवा के आ गया, बल्कि तेरी वजह से लड़ाई हो गई है रूस की, और वो उसने सारे यूरोप को, सारे मुल्कों को अमेरिका ने कहा है कि भाई रूस का बाइकाट करो। यूक्रेन के ऊपर उसने क्यों हमला किया, छोटे मुल्क के ऊपर, तो उसकी बात ये ठीक है, और यही बात उसने पाकिस्तान में की है। तो आप कहते हैं जी कि मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश है, साजिश तो मैं तब मानू ना कि जब KPK में आपकी हुकूमत खत्म हो। आपकी इधर थी हुकूमत 2-4 मेहमानों की, क्यों कौम को गुमराह करते हैं? आज मैं बड़े प्यार से आपको समझा रहा हूं दोस्तों। एक होता है कि आप लाइलमी में कोई बात कर जाते हैं ना, लाइलमी में आपको पता नहीं होता या आपका नॉलेज इतना होता है। इमरान पढ़ा लिखा बंदा है, इसको इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो बुरी बातें जब ये करते हैं ना, बुरी बातें इमरान खान, मैं कहता हूँ ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, जानबूझ के किसी को गुमराह करना, ऐसा नारा दे देना जिसका उसको खुद ही नहीं पता, मदीना की रियासत के हवाले से उसको खुद ही नहीं पता कि मैंने मदीना की रियासत की रिक्वायरमेंट क्या है, ये उसे नहीं पता, ठीक है। इसलिए ये ऐसे बयान, या आप मई में जी मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, आपने मुल्क और कौम और अपने कारकुनान का ख्याल नहीं करना कि उनको मैं आजमाइश में ना डालूं। रोज ही आप कॉल दे देते हैं, ईद वाले दिन भी आपने कॉल दे दी, चांद रात को आपने कॉल दे दी, आप हर वक्त तहरीक आपके अंदर उठी हुई है, 72 साल के बंदे हैं आप अल्लाह अल्लाह करें और फिर आप कल आ गए फराह गोगी के उसके फराह खान गोगी के हक में। ओ भाई वो तेरी क्या लगती है, तू क्या, मुझे क्या पता, पकड़ो जो मर्जी करो, गिरफ्तारियां करो, तश्वीश तफ्तीश करो, सारा कुछ करो, मुझे कोई मसला नहीं है। आप कहते हैं नहीं जी नहीं, वो बेकसूर है और वो पिंकी पीरनी की सहेली है। भाई तुझे क्या है, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू, तुझे क्या है, तुझे क्या मसला है। चले हम ईद वाले दिन ज़रा सख्त वीडियो नहीं बनाते और आपसे पूछते हैं कि आपने क्या नाश्ता किया है मैंने जो नाश्ता किया है ना सर, वो रात को जो मेरी बाजी ने बनाया था, वो हरीसा और वो क्या उसे कहते हैं यार, हलीम
हलीम, उसके साथ मैंने नाश्ता किया है और अब ये चाय आपके साथ पी रहा हूँ। ठीक है, आप खुश रहें और सैरें करें, बच्चों को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें, दोस्तों को भी दें। मेरा जो दूसरा दिन होता है दोस्तों के लिए होता है। मैं अभी फ़ोन खड़काता हूँ दोस्तों को, सारे दोस्तों को फ़ोन खड़काता हूँ। आपने भी फ़ोन करना है तो बेशक कर लें, 03-00-472-5752। जो दोस्त भी फ़ोन करना चाहे, तो आज फ्रेंड्स डे है मेरा, जो सैटरडे होता है, ये ईद का जो दूसरा दिन होता है फ्रेंड्स डे। कल मैंने बहुत अपने बच्चों को टाइम दिया है, अपनी बीवी को टाइम दिया है, अपने बेटी को बुलाया हुआ था घर मैंने, और शाम को हम सारे हमजुल बहनोई ये वो तकरीबन 50 के करीब अफराद थे, हमने गपशप लगाई है। तो आज फ्रेंड्स का भी तो हक बनता है ना सर जी। खुदा हाफिज़।